आजकल मैं पीढ़ी की बात करूँ, आजकल की पीढ़ी जो है वो मुसीबतों का सामना नहीं कर पा रही है। मैं बात कर रहा हूँ तनिषा शर्मा की, जो कि बहुत कम उम्र में चल बसे, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, उनकी ज़िंदगी में क्या रहा होगा एग्जैक्टली नोबडी नोज, बट इतना ही कहूँगी कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट हाइज एंड लोज। आप जब बहुत खुश होते हो तभी भी आप इतना मतलब ना उड़ो कि यू नो थिंकिंग दैट देयर इज़ नो टुमारो, बिकॉज टुमारो यू माइट अगेन सी अ लो फेज। और सिमिलरली जब आप लो फेज में चलते हो, ये मत सोचो कि यही ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, बिकॉज देयर इज अ हाई फेज अगेन, बिकॉज ऐसे ही एक फ्रीक्वेंसी में चलता है। तो इस चीज़ को अगर दिमाग में बिठा लेना, तो अक्सर ऐसा होता है कि मतलब हम भी बहुत ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ ही क्यों, बट देन द फेज गोज अवे। सो जस्ट इट्स ऑल अबाउट होल्ड ऑन फॉर अ लिटिल बिट मोर।